हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाय एमबीएस जेएनयू। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हमारे अरावली माउंटेन्स, या कह सकते हैं जिनको अरावली पर्वत के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, या जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वो अरावली माउंटेन्स से लेकर के यहाँ पर जो कि राजस्थान में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अरावली माउंटेन्स हैं, अरावली माउंटेन्स से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक, और इधर राजमहल हिल्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के आसपास ही, यहाँ तक लगभग जो है वो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो जो नॉर्थ साइड है इधर राजस्थान में पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो लगभग जो है वो आपका नॉर्थ साइड है, उधर पर अरावली माउंटेन्स लोकेटेड हैं। ये अरावली माउंटेन्स जो हैं, अरावली पर्वत, ये फैले हुए हैं दिल्ली से लेकर के, मतलब दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद गुजरात, इसके बीच में फैले हुए हैं। और इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम्स हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में हैं। और इनका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन जो इरा था वो हुआ था। प्री कैम्ब्रियन इरा का मतलब है कि लगभग 570 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं अरावली माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो अरावली माउंटेन्स हैं, बनने के बाद इन पर लगातार इरोजनल वर्क्स, जो नदियों के अपरदन कार्य थे वो होते रहे। ये इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट से आने वाली हवाओं ने लगातार जो है वो इसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं उन माउंटेन रेंजेस पे अपने जो पार्टिकल्स साथ में लेकर के आती थी चार्ट पार्टिकल्स, उसके साथ टकराई, उसको हिट किया। तो लगातार रिवराइन इरोजन, नदियों के द्वारा इरोजन, और इधर हवाओं के द्वारा आकर के पार्टिकल ला करके साथ में किए गए इरोजन के कारण से इनकी हाइट लगातार जो है वो समय के साथ में घटती गई है। और पहले अरावली बहुत बड़े माउंटेन सिस्टम्स हुआ करते थे, बट समय के साथ इनकी जो हाइट है वो रिड्यूस हो गई है। अब खाली कुछ पार्ट अरावली का बचा हुआ है, इसलिए अरावली को रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहा जाता है, या इसी को रेलिक्ट माउंटेन भी कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत। अगर मैं हिंदी में बोलूं, रेजिडुअल और रेलिक्ट माउंटेन कौन से हैं, अगर कभी ये पूछा जाए तो इसको आप कभी भी एग्जाम में आता है तो अरावली इसको टिक करिए। अब ये अरावली जो है इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने बता दिया कि लगातार ये नदियों के द्वारा किए गए अपरदन से और हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा किए गए अपरदन से इनकी हाइट बहुत कम हो चुकी है। और इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक है गुरुशिखर, गुरुशिखर राजस्थान में है। इसकी जो है वो जो चोटी है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से जब नापी गई तो वो लगभग 1722 मीटर, 1722 मीटर पाई गई। तो हाईएस्ट पीक पूछा जाए कभी अरावली की कौन सी है तो वो गुरुशिखर है। बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से आप देख, जब कभी जाइए इधर गुरुशिखर में माउंट आबू रीजन में, तो आप पाएंगे कि वहां पर राजस्थान में, मतलब जो है एक ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन टाइप से है, बहुत ही अच्छा आपको वहां पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान जो है वो डेजर्ट है। राजस्थान के अरावली के वेस्टर्न साइड में यहाँ पर थार डेजर्ट है, लेकिन अरावली के ईस्टर्न साइड में जो राजस्थान है, मतलब जयपुर के आसपास आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रीनरी है, उदयपुर, जयपुर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अरावलीज ने यहाँ पर एक बैरियर का काम किया हुआ है, इसके कारण से इधर जो है वो जब मानसून विंड्स चलती हैं तो बहुत कम मानसून विंड्स क्रॉस होकर के वेस्टर्न साइड में जाती हैं, और यहाँ पर थार डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो याद रखिएगा, थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है, और थार डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। पूरे विश्व के जो मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं रहती है, डेंसिटी, जनघनत्व है, तो वो थार डेजर्ट में है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा। प्लीज लाइक माई वीडियोज, share it with your friends if these are informative, and thank you for being with Abhiral Dhara.